हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे एसएस की स्वादिष्ट दुनिया में। आज की रेसिपी हम लेकर के आए हैं बादाम का हलवा। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। बादाम का हलवा बनाने के लिए यहाँ पे हमने बादाम लिए हैं, जिसको मैंने 7-8 घंटे करीब भिगो दिया था। उसके बाद इसको छील करके अब इसको रख लिया है। अब मैं इसको ग्राइंड करूँगा। इन बादामों को हम एक जार में डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसको दरदरा पीस लेंगे। इसको हमने अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसको भून लेंगे। घी यहाँ पे हमने पैन में डाल दिया है। इसको गर्म होने के बाद मैं बादाम का पेस्ट डाल दूंगी और उसको भूनूंगी। घी यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब हम इसमें बादाम के पेस्ट को डाल देंगे। इसको हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसको अभी हम अच्छे से भूनेंगे और इसमें थोड़ा सा ना घी और ऐड करेंगे। ये हमारा थोड़ा सा भुन गया है। अब हम इसमें शक्कर को ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करके फिर से भूनेंगे। जब तक हमारा बादाम भून रहा है, यहाँ पे हमने गर्म दूध में थोड़ा सा ये केसर के दाना डालेंगे, क्योंकि इससे रंग भी अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया हो जाता है। इसको डाल के भिगो के रख देंगे जब तक वो भून रहा है, क्योंकि इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। हलवा जो है हमारा, देखिए, गोल्डन ब्राउन भुन चुका है। अब हम इसमें केसर जो मैंने दूध में मिलाया था, अब इसको ऐड कर देंगे। वैसे तो आपको अगर कलर चाहिए तो आप कलर भी यूज कर सकते हैं। फिर इसको मिक्स करके थोड़ा सा और भून लेंगे। हलवा अच्छे से भुन चुका है। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें हरी इलायची का थोड़ा सा पाउडर डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। यहाँ देखिए, हलवा हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने कुछ बादाम काट लिए हैं, इससे हम गार्निश करेंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो या जो भी आपको पसंद हो, आप उससे गार्निश कर लीजिएगा। ये देखिए, हलवा हमारा कितना अच्छा लग रहा है। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।